उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए और सेम बहुत बढ़िया वेरी गुड। और इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर के साथ जो भी हैं वो अपने सब्जेक्ट में उससे बेस्ट इंडिया में कोई नहीं। और इतना के बावजूद ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। तो हम लोग को लगता है कि जितना ये तकलीफ इससे कई गुना जाते हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि वो भी ना ले। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे। आपका क्या बात। और अर्चना जी मैं इनके बारे में एक बात, कुछ खान सर आपके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इनका जो स्टार्टअप है ये बूटस्ट्रैप्ड है। अच्छा। मैं साधारण भाषा में बता देता हूँ, ये सेल्फ फंडेड है। इन्होंने अभी तक किसी और से पैसा नहीं लिया है, ये इन्वेस्टर के पैसे से नहीं, इन्होंने खुद इसको बिल्ड किया है। और बल्कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप है ये कि मैं कहूंगा कि अगर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना हो तो मैं इंडोर्स करता हूं ऐसे स्टार्टअप्स को। यही सब चीजों को देखते हुए कई लोगों ने धमकी भी दिया था वहां पर। अच्छा। और उसके बाद बम चला दिए और 7-8 बम चला दिए और कुछ ब्लास्ट हुआ। एक बेचारा नया नया लड़का आया था एडमिशन लेने के लिए, उसकी स्कूटी उड़ा दिया। वो आया था कहा कि सर हम तो पढ़ने आए थे, हमारा स्कूटी उड़ गया, हमारी ऑफिस उड़ा दिए सब। एक तो पास में आके गिरा। हाँ। और नहीं फटा वो। बाद में बहुत सारे लोग धमकियां दिए, लेकिन कहते हैं ना सूरज कितना भी तेज चमक ले समंदर नहीं सुखा सकता। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैम एक्चुअली ये फीस कम करने का एक और रीजन है। हाँ। 2.5 लाख 3 लाख की जो फीस में सब लोग पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते। हाँ। इसलिए वो कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनका मेंटल लेवल तो बहुत ऊपर चला जाता है। हाँ। लेकिन एक पूरे देश का मेंटल लेवल थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो पाता। तो जब फीस कम रहेगी तो हर वो लड़का तैयारी करने के लिए आगे आएगा जिसका सपना है देश के लिए कुछ करने का। सीटें लिमिटेड है उन्हें को मिलेगी, लेकिन जिन्हें नहीं मिलेगी उसे मिलेगा देश का एक जिम्मेदार नागरिक। तो इस देश को बताओ, हम लोग विश्व गुरु कहे जाते थे। क्यों? क्योंकि दुनिया से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आए थे। चाइना से ह्वेनसांग आया, फायान आया। हाँ। आज कोई नहीं आता है। हाँ। हम लोग का उद्देश्य एक समय आएगा जो फिर आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए। क्या बात है। पर आप देखो अर्चना जी, सबसे ज्यादा आईपीएस आईएएस बिहार से निकलते हैं। आप देखो पढ़ाई लिखाई में पॉलिटिशियन बहुत बड़े बड़े निकले हैं। ऐसा नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है वहाँ पे, इंडस्ट्री नहीं है, खेती करेगा तो कोई खास वो नहीं रहे, ऑप्शन भी नहीं है। सही बात है, बिहार की मिट्टी में एक चीज है, जिद तो बहुत जबरदस्त है। कुछ भी नहीं रहेगा तो सब कुछ पाने का उसको जिद रहेगा, करके भी दिखा देगा वहां पे, कर देंगे हम आपको। विवेक सर आपके बारे में हमने सुना, एक बार आप संन्यास लेने चले गए थे।